दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं, अगर आप अपना एक नया आधार कार्ड बनाए हैं या तो फिर अपना आधार कार्ड में किसी भी प्रकार से कलेक्शन अपडेट या फिर चेंजमेंट करवाते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड को इनरोलमेंट आईडी नंबर से डाउनलोड करना होता है। तो इस वीडियो में आपको सबसे लेटेस्ट प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से केवल आप अपने इनरोलमेंट आईडी नंबर से ही आप अपना आधार कार्ड को किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, इसका क्या है लेटेस्ट प्रोसेस वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना फोन लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर को ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है SSUP, देन आपको सर्च करना है। उसके बाद नीचे आएगा तो जो भी वीआरई का ऑप्शनल वेबसाइट होता है सबसे ऊपर में नजर आता होगा, तो आपको पहला वेबसाइट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इनरोलमेंट आईडी नंबर से ही आधार कार्ड को डाउनलोड करना है। उसके लिए नीचे आपको आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड आधार का, यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड करने का जो सेक्शन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पे तीन तरीका से आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला तरीका तो यहाँ पर नजर आता होगा आधार नंबर का, और दूसरा तरीका यहाँ पे मैं नजर आता हूँ इनरोलमेंट आईडी नंबर से, और तीसरा तरीका यहाँ पे वर्चुअल आईडी नंबर से भी अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आपको इनरोलमेंट आईडी नंबर से किस प्रकार से डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको दूसरा ही ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका इनरोलमेंट आईडी नंबर होता है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होता है। बेसिकली जो आपका इनरोलमेंट आईडी नंबर होता है वो आपको स्लिप पर मिल जाता है। जैसे अगर आप एक नया आधार कार्ड बनाते हैं या फिर अपना आधार कार्ड में किसी भी प्रकार से कलेक्शन अपडेट या फिर चेंजमेंट करवाते हैं किसी भी आधार सेवा केंद्र पर जाकर के, तो वहां से आपको एक रिसीविंग एक पावती दिया जाता है। उसी में जो भी इनरोलमेंट आईडी नंबर होता है वो मेंशन होता है, उसी इनरोलमेंट नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करके फाइनली आपको आधार कार्ड को डाउनलोड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इनरोलमेंट आईडी नंबर होता है वो 14 डिजिट का होता है, देन 14 डिजिट में यहाँ पे डेट और टाइम आ जाता है, तो कंप्लीट 28 डिजिट का होता है। तो चलिए किस प्रकार से आपको फिलअप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उससे पहले स्लिप में आपको दिखा देता हूँ, स्लिप देख लीजिए। जैसे स्क्रीन पर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको भी स्लिप मिला होगा, तो आपके पास भी स्लिप होगा, अपने पास स्लिप रख लीजिए। यहीं से जो डाटा होता है वो यहाँ से लेकर वहां पर आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला डिटेल जो यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है इंटर 14 डिजिट इनरोलमेंट आईडी नंबर, ये कहाँ पे मिलता है वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको स्लिप पर आना है, सबसे पहले ही नजर आता होगा अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, यहाँ पे जो 14 डिजिट का नजर आता होगा यही है आपका इनरोलमेंट आईडी नंबर। यहाँ पे जो भी आपका स्लिप पर नंबर नजर आता होगा इस नंबर को सबसे पहले यहाँ पे आपको इस कॉलम में आकर के आपको फिलअप करना है, सेम नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करना है, केवल डिजिट आपको फिलअप करना है। यहाँ पे स्पेस या तो फिर हाइफन वगैरह कुछ भी नहीं देना है, केवल आपको डिजिट को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद दूसरा पार्ट में यहाँ पे डेट को आपको फिलअप करना होता है, जैसे देखिए यहाँ पर सिलेक्ट एआईडी डेट, तो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है। बेसिकली वही डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, फिलअप करना होगा, जिस डेट को आपने नया आधार कार्ड बनाया होगा या फिर आधार कार्ड में कलेक्शन करवाया होगा, ये डेट भी आपको स्लिप पर मिल जाता है। इसके लिए आपको स्लिप पर आना है और यहीं पे देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पे एक डेट नजर आता होगा। देखिए डेट का सेक्शन है, जैसे मेरे केस में जो डेट है 4/11/2021 है, तो सेम डेट को वहां पर आपको फिलअप करना होगा। मंथ है यहाँ पे 11 महीना, तारीख है 4 और ईयर है 2021। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे इस पर आपको आना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए आपको कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे कि 2021 था तो 2021 मैंने सेलेक्ट किया, 11 महीना था तो नवंबर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, 4 तारीख था तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, तो 4/11/2021 ये फिलअप हो चुका है। ठीक है, अब सेम आपको टाइम फिलअप करना होगा, बेसिकली वही टाइम आपको फिलअप करना है जिस टाइम पे आप अपना नया आधार कार्ड बनाए हैं या फिर कलेक्शन कराए हैं। ठीक है, ये टाइम भी आपको स्लिप पर ही मिल जाता है, इसके लिए आपको दोबारा से स्लिप पर आना है और सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे टाइम एक नजर आता होगा, जैसे कि मेरे केस में है 14/28/51 है, तो जो भी यहाँ पे टाइम नजर आता होगा सेम टाइम को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे देखिए सिलेक्ट एआईडी टाइम नजर आता होगा, यहाँ पे घड़ी का निशान है इस पर आपको क्लिक करना है, तो सबसे पहले आवर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे आवर में 14 था, यहाँ पे 14 मैंने सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे मिनट में यहाँ पे 14/28/51 था, तो 28 यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको सेलेक्ट करना 28, उसके बाद 51 था सेकंड में, तो यहाँ पे सेकंड 51 यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 14/28/51 यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, तीनों पार्ट यहाँ पे फिलअप हो गया है। उसके बाद नीचे देखिए कैप्चर कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चर कोड यहाँ पर आपको फिलअप करना है, देन आपको सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जैसे कि ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा ओटीपी सक्सेसफुली डिस्पेज टू योर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर। ठीक है, तो जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। ओटीपी फिलअप करने के लिए आपको नीचे आना है, जब नीचे आएगा तो यहाँ पर देखिए आता होगा इंटर ओटीपी, तो जो भी ओटीपी आया है उस ओटीपी को सबसे पहले यहाँ पर आपको फिलअप करना है, उसके बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो आपका आधार कार्ड होता है सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए आता होगा कंग्रेचुलेशन योर आधार कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोड। ठीक है, तो फाइनली आपका आधार कार्ड एक पीडीएफ फाइल में डाउनलोड होता है, जो आपका पीडीएफ फाइल होता है आपका आधार कार्ड का उसमें एक पासवर्ड लगा होता है,
होता है। तो आपके आधार कार्ड का पासवर्ड क्या, वो समझा देता हूँ। बेसिकली 8 डिजिट का पासवर्ड होता है, जिसमें जो भी आपका नाम होता है, नाम का फर्स्ट 4 लेटर लिख लेना है, कैपिटल लेटर में बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखना है। तो 4 डिजिट हुआ, देन जो 4 डिजिट होता है वो आपका ईयर होता है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ में आपका ईयर होगा वो आपको लगा लेना है। तो नाम का फर्स्ट 4 डिजिट, देन जो भी आपका ईयर होगा वो आपको लगा देना है। इस प्रकार से 8 डिजिट का पासवर्ड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे अगर आपका नाम अनिश कुमार है, तो जो भी आपका नाम का फर्स्ट 4 लेटर हो जाता है, जैसे अनिश में जो फर्स्ट 4 लेटर होता है वो होता है ANIS, बड़ा बड़ा अक्षर में आपको लिखना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। देन जो भी आपका ईयर होगा, ईयर में केवल आपको ईयर ही लिखना है, डेट ऑफ बर्थ में जो आपका ईयर होगा वो आपको लिखना है। जैसे कि इसका ईयर है 1989 है, तो यहाँ पे 1989 यहाँ पे लिखा गया। इस प्रकार से 8 डिजिट का पासवर्ड होता है, ठीक है। तो चलिए मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए आधार कार्ड का PDF फाइल है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो जो भी आपका नाम का फर्स्ट 4 लेटर होगा वो आपको फिलअप करना है, देन जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ में आपका ईयर होगा वो आपको फिलअप करना है, देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो आपका आधार कार्ड का PDF फाइल होता है वो सक्सेसफुली यहाँ से आपका ओपन हो जाता है। नीचे आएगा तो जो भी आपका ओरिजिनल आधार कार्ड है वो यहाँ पर नजर आ जाता है। अब इसे PVC कार्ड में बना लीजिए या फिर डायरेक्ट इसे प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद जहाँ भी आपको यूज करना है यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना है।